हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत गुरुका लाहौर में बसंत पंचमी का 2 दिवसीय मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस मेले के दौरान जहां दशमिक गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वहीं पर इस 2 दिवसीय मेले के दौरान लगभग 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत गुरुका लाहौर में बसंत पंचमी का 2 दिवसीय मेला धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस मेले के दौरान जहां पर दशमिक गुरु गोविंद सिंह के विवाह उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, वहीं पर इस 2 दिवसीय मेले के दौरान लगभग 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासन पुलिस के दौरान बसंत पंचमी मेला की पुख्ता व्यवस्था की गयी थी। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होमगार्ड के जवान तैनात किए गए थे ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जा सके। इस मेले के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा जगह जगह पर लंगरों का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे गए। इसके अलावा गुरुद्वारों की सजावट भी श्रद्धालुओं के मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेरती रही। कुल मिलाकर 2 दिवसीय बसंत पंचमी मेला सुख शांति से संपन्न हो गया। मेले के दौरान मेला मजिस्ट्रेट हुसन चंद और डीएसपी संजय शर्मा गुरु का लाहौर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु डटे रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने में और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। और दूसरा और आखिरी दिन है इस मेले में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक अलग ही तरह का उत्साह जो है इस बार देखने को मिला है। इसमें सिख समुदाय के लिए मेला जो है विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। सिख समुदाय के साथ साथ इस बार हिंदू समाज के लोगों में भी इस मेले को लेकर भारी उत्साह और जोश देखने को हमें इस बार मिला है। प्रशासन की तरफ से भी भारी जो यहाँ पे मेले के रखरखाव के लिए उचित बंदोबस्त किए गए थे, 150 के आसपास हमने जो पुलिस और होमगार्ड के जवान यहाँ पे सुचारू रूप से मेले को चलाने के लिए तैनात किए थे। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम जो यहाँ पे ते बसंत पंचमी ने मत्था टेकया है, तो दर्शन मेले किए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ ही, रश बहुत ही। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।